तो देखिए आज हम लोग बना रहे हैं सूप ना, मिक्स वेज सूप। तो सबको बारीक बारीक काट लिया गया है ना, पहले ये बीन्स काटी गई, ये गाजर काटे जा रहा है, और लहसुन अदरक और मिर्ची छोटी छोटी काट ली गई। तो अभी आगे का प्रोसेस जैसे हो वैसे बताते हैं, फिर स्टॉप करते हैं थोड़ा। अब आगे का प्रोसेस जैसा कि ये हमारी सब्जियाँ कट गई है, ये गाजर और ये बीन्स, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये एक पैन रखा है, सिर्फ खाली पैन है ये, तो ये खाली पैन रखा है जो सुखा रहे हैं पानी। उसके बाद इसमें क्या डाला जाएगा, ये बॉक्स से यहाँ पूरे मसाले सारे रखे हैं, तो इसको अभी रोस्ट किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये नौर का सूप है, ये इसको उन्होंने कप में डाल लिया। और इसी तरह दूसरा पैकेट भी आ गया, अच्छा ये इसमें नहीं जाएगा, जाएगा उसी में। अभी इसको ना पानी डाल के, उसमें पानी डाल जाएगा, इस सूप को इसे पानी डाला जाएगा। तो ये तीन लोग का बन रहा है, अभी तीन सूप है। अब इसे पानी आ गया, पानी से जल्दी इसे घोला जाएगा, वरना इसके वो बन जाएंगे, लम्स बन जाते हैं ना। इसको आराम से घोला जाएगा। इधर ये पैन गर्म हो गया, इसका रोस्ट किया जाएगा अभी सब्जी को। इसमें देखिए तेल चला गया, थोड़ा सा तेल चला गया, और अब थोड़ी देर बाद इसमें सब्जियां डाली जाएंगी। सबसे पहले लहसुन, सबसे पहले लहसुन अदरक मिर्चा, अच्छे से फ्राई हो गया। अब आगे आप लोग को आएंगे, ये अच्छी चीज़ें कि सर दर्द हो रहा है, चार पाँच हफ्ते का सर दर्द सही हो सकता है इसको। बाकी सब्जी भी देखिए इसमें एक एक करके डाल दीजिए, देख इसको ये देख सकते हैं, यहाँ मुझे इसमें लाने लगी इसकी। काफ़ी सही लग रहा है, और इसको मीडियम आती है थोड़ा करते हैं। इसी बाद इन्होंने डाल दिया चाट मसाला ना, नमक डाला है बाद में, फिर चाट मसाला बाद में डालेगा, चाट मसाला नहीं, चाट नहीं डालेगा, नमक डाला। सुबह जैसे ही हो जाएगा उसके बाद फिर आराम से सूप ओके करके इसको फ्राई कर लिया गया है, फ्राई हो गया, अभी सूप वहाँ पर घुला पड़ा है, सूप डाला जाएगा। ये देखिए इसका पूरा घोल तैयार है हमारे सूप का, नॉर का सूप ले सकते हैं, पूरा घोल बढ़िया से बन गया। ये काफ़ी मतलब हेल्दी होता है, और सब्जियाँ तो इसमें पड़ी हैं काफ़ी सही से, बस अब इसमें डाल दिया जाएगा सूप, सूप इसमें पड़ गया आराम से। इसमें जो मेन स्टेप था वो आपका फ्राई वाला था, फ्राई वाला स्टेप सब लोग भूल जाते हैं, बस देखिए ये देखिए ग्रेवी इसकी, और अभी बना नहीं, अभी इसमें और भी चीज डलेगी, इसको देखते रहिए आप। देख सकते हैं अब इसके बाद जैसे ये बॉईल हो जाएगा ना काफ़ी सारा, इसके बाद थोड़ी सी मैगी डाल देंगे, तो थोड़ा सूपी मैगी जैसी हो जाएगी, काफ़ी अच्छा लगेगा ये। तो आप आधी मैगी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है मैगी। ये काफ़ी अच्छे से ही पक चुका है, और पानी जब एकदम बॉयल हो जाए ना, लेकिन मैगी को छोटा छोटा ग्रीन कर लिया गया ऐसे, उससे मैगी फैले गई, ये काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बहुत सही तरीके से। और इसमें मैगी थोड़ी सी डाल मिल जाएगी, मसाला इसका साइड कर लिया गया। ये देखिए मैगी भी आ गई इसमें, अगर ये बन के निकलेगा तो काफ़ी सही लगेगा,
अब मैगी में थोड़ा डालने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसका स्वाद चला जाएगा। तो जी देखिए ना सही लग रहा है, ये सूप में मैगी बनके तैयार हो रही है। नॉर सूप में मैगी काफ़ी अलग ही डिश है ये।